नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी, हमेशा खुश रहे, सुखी रहे और संपन्न रहे। दोस्तों, इस बार गुरुवार के दिन 20 अप्रैल गुरुवार के दिन पढ़ रहे हैं सूर्य ग्रहण। जो लोग वशीकरण मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया रामबाण उपाय है। इस उपाय को करने में यदि आप सक्सेस आपको मिल गई, तो आप जिस महिला को चाहेंगे वो महिला आपसे मित्रता करेगी, आप पर फिदा हो जाएगी। वो महिला जिंदगी भर आपकी गुलामी करेगी। ग्रहण में आप जिन मंत्रों को सिद्ध करते हैं, जिन मंत्रों का आप जाप कर लेते हैं, वो मंत्र हमेशा आपकी मदद करते हैं। कभी भी वशीकरण, मारण, मोहन, उच्चाटन के मंत्रों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। किसी की भी बहन या बेटी कभी भी उसका मिसयूज नहीं करना चाहिए। वशीकरण के मंत्रों को आप तभी सिद्ध करें जब आपको उस लेडी से शादी करनी हो, अन्यथा उसका दुरुपयोग ना करें। ये मंत्र जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ, इस मंत्र को सिर्फ 7 बार बोलना है ग्रहण के समय। ग्रहण सुबह 7:04 से शुरू हो रहा है, जो दोपहर 12:29 तक रहने वाला है। ये क्रिया आपको इन बिटवीन पीरियड कर लेनी है। आपको कहीं पर भी पानी भरा मिल जाए, नदी हो, तालाब हो, घर की टंकी हो, छोटा सा गड्ढा हो, पानी आपकी नाभि तक आना चाहिए। इतने पानी में आप एक सुपारी लेकर के उतर जाएं, अपने राइट हैंड में सुपारी रखें और 7 बार इस मंत्र का जाप करें जो मैं आपको बता रही हूँ। मंत्र का जाप करते समय आपको ध्यान रखना कि जो सुपारी है ये पानी में भीगी रहे, पानी में गीली हो जाए। मंत्र है दोस्तों, पीर में नाथ, प्रीत में मात, जिसे खिलाऊं वह मेरे साथ, ईश्वरो मंत्र ईश्वरी वाचा। पीर में नाथ, प्रीत में मात, जिसे खिलाऊं वह मेरे साथ, ईश्वरो मंत्र ईश्वरी वाचा। 7 बार इसको बोल देना है, उसके बाद आपको पानी से बाहर निकलकर आ जाना है। इस सुपारी को आप धोकर स्वच्छ करके रख लें, इसको आपको दूध में धोना है और इसको रख लें। उसके बाद में आप इसको कूट लें, इसका पाउडर बनाएं। जब भी आप किसी भी महिला का वशीकरण करना चाहते हैं, इस पाउडर को आप एक चुटकी पाउडर लें और 7 बार इसी मंत्र को बोल करके उस महिला के भोजन में इस पाउडर को डाल दें। जो भी महिला उस भोजन को खाएगी, वो हमेशा के लिए आपकी गुलाम बन जाएगी। करके देखिए, कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे अवश्य। जय श्री कृष्ण।